फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल। इस वीडियो में आपके सामने एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा रिडक्शन फॉर्मूला का। तो लेट अस स्टार्ट। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होल पावर 4 डीएक्स। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे तो आपको बताया हूँ दो नंबर के लिए कैसा अप्रोच आपको होना चाहिए और सात नंबर के कैसा अप्रोच होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इस साइन एक्स पावर एन का इन रिडक्शन फॉर्मूला जो होता है उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे हम क्या दिया, 4 दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, n के लिए क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट n इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये i 4 इक्वल्स टू साइन x होल पावर 4 डी एक्स एंड दिस इक्वल्स टू यहाँ पुट अप करो माइनस साइन x होल क्यूब cos x अपॉन 4 माइनस दिस विल बी प्लस हो गया यहाँ पे टी बाई 4 आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में ही पुट करना। तो यहाँ पे i जो 2 होगा दैट विल बिकम साइन x होल स्क्वायर dx माइनस इक्वल्स टू यहाँ पुट करो दिस विल बी माइनस साइन 2 माइनस 1 विल बी x 1 अपने क्या होगा साइन x दिस विल बी cos x अपॉन n के लिए यहाँ पे कितनी है आपकी 2 दे दी तो 2 है माइनस 2 माइनस 1 विल बी 1 अपॉन तो यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है 1 अपॉन 2 दिस विल बी i 0 दैट्स फॉर दिस इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, पुट n की वैल्यू 0 इन इक्वेशन 1। तो i 0 बताओ क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे साइन x होल पावर 0 दिस इज dx। किसी का भी पावर क्या होगा, अगर 0 है तो वो क्या आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x। अब यहाँ आपको मिल चुका है i 0 की वैल्यू। i 0 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, आई की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, आई फोर मिल जाएगा। देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। इक्वेशन 3 में हम क्या पुट करेंगे, आई नॉट की वैल्यू। तो इक्वेशन 3 बिकम ये आपका आई 3 इक्वेशन 3 आई 3 इक्वेशन 3 बिकम्स आई 2 बताओ क्या बन जाएगा आपके यहाँ से माइनस ऑफ साइन एक्स दिस इज कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ आई नॉट इज एक्स एक्स हो गया। अब इक्वेशन 2 में डालिए आई 2 वैल्यू को तो आई 2 इक्वेशन 2 बिकम्स क्या होगा, देखो यहाँ पे आई फोर इक्वल्स टू यहाँ आपको जो दिया हो दैट इज माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स दिस इज कॉस एक्स अपॉन 4 यहाँ से क्या दिया प्लस 3 बाई 4 टाइम्स क्या होगा आपका आई टू। आई टू वैल्यू होता है यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस हाफ एक्स। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो एक बार, माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस यहाँ प्लस है या माइनस है तो आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे 3 है तो इसको 3 रखो यहाँ पे 2 इंटू 4 इज 8। अब यहाँ पर देखो क्या आपका आएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस है तो दिस इज प्लस 3 इंटू 1 इज 3 4 इंटू 2 इज 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये अपना क्या होगा वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा साइन एक्स पावर 4 का।